हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपडेट सैमसंग के गैलेक्सी A50 को अक्टूबर सिक्योरिटी पेच के साथ में अपडेट करेंगे और देखेंगे कि क्या सैमसंग ने यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर इंप्रूवमेंट करे हैं या नहीं करे हैं सैमसंग के A50 के अंदर। ये सिक्योरिटी पेच ऐसा है, मैं कहना चाहूँगा आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस सिक्योर रहे, तो आपको आँख मीच कर इस अपडेट को इंस्टॉल करना ही होगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी अपडेट है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसको इंस्टॉल, और जैसे कि मैंने आपको बताया सभी बात हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बात करी जाए अपडेट फाइल के बारे में, तो जैसा आउट ऑफ इंडिया सैमसंग ने रिलीज़ करा था, तो उसी तरीके से सैमसंग ने यहाँ पर भी रिलीज़ करा है 124 MB के आसपास की ये लगभग अपडेट फाइल है। अक्टूबर का सिक्योरिटी पेज बताया गया है, और एक्चुअली में है भी अक्टूबर का सिक्योरिटी पेज। इसके अलावा सैमसंग ने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मैंशन नहीं किया हुआ, बट फिर भी हम देखेंगे कि सैमसंग ने इसके हीटिंग इशूज़ और नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, तो जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो सैमसंग का गैलेक्सी A50 है वो अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने में ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट लिए हैं, या लगभग हम कह सकते हैं 10 मिनट के करीब लगेगा टाइम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में मुझे यहाँ पर सबसे पहले ही प्रॉब्लम नज़र आ गई हीटिंग इश्यूज़ की। यहाँ पर इस अपडेट में भी कोई हीटिंग इश्यूज़ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई है। यहाँ पर अभी भी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, और सैमसंग को इस पर गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को आप लिए कोई FOT अपडेट रिलीज़ करना चाहिए। वेल, इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट लगा इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर। पहले क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने अभी फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराया है, तो फिर अभी के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा लगभग आज के लिए, बट कल से क्या होगा, अगले दिन से मुझे फिंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं मिलती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन हो जाती थी। और यहाँ पर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में मेरा फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट वर्क कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फिंगरप्रिंट में शायद सैमसंग ने इंप्रूवमेंट करा है, बाकी आपके साथ में भी ऐसा होता है या नहीं होता है मुझे बताना नीचे कमेंट करके, कि अभी फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराए तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, बट अगले दिन फिंगरप्रिंट कहने के स्लो जाते, या फिर अगर आपका डिवाइस 4 से 5 घंटे रखा हुआ है और उसके बाद में आप अनलॉक करते हो, तो फिर फिंगरप्रिंट काफ़ी स्लो वर्क करता है। इसके अलावा मुझे नोटिफिकेशन मिला यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टोरीज का, तो सैमसंग ने यहाँ पर इसके लॉक स्क्रीन स्टोरीज को भी अपडेट किया है। यहाँ पर हमें नए नए फोटोज़ और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स शायद इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल तो मैं डिटेल नहीं पता, बट मैं इसको अच्छे से टेस्ट करके बता दूंगा कि सैमसंग ने इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करे हैं। तो अगर आप लॉक स्क्रीन स्टोरेज को यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, बट मैं अब कुछ ऐसे वॉलपेपर यूज़ करूँ इन्फिनिटी यू नॉच इसके, जो कि काफ़ी कूल है। अगर आपको भी वो चाहिए तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उस वीडियो का, और मैंने और भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं काफ़ी फाइंड आउट करने के बाद में मिले हैं, तो अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे उसके बारे में बता देना नीचे कमेंट करके। तो यहाँ पर बात करें हम जो सैमसंग ने इस अपडेट का थ्रू दिया है हमें, बेसिकली सिक्योरिटी पैच है जो कि अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है, एंड यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस सैमसंग के मालवेयर एक तरीके का कोई वायरस है जिससे अटैक हुआ था, जिसमें कि सैमसंग का A50 भी आता है और भी काफ़ी सारे सैमसंग के डिवाइसेज थे, सैमसंग का S7 Edge, S8, S9, इवन S10e भी था साथ में, तो उनके लिए भी अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच आएगा। एक्चुअली मैं गूगल ने इसके ऊपर वर्क किया था, और ये हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो
ओवरऑल देखा जाए तो अक्टूबर का सिक्योरिटी पर जिन डिवाइसेज में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है उनके लिए। वेल यहाँ पर मेरा जो थी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा सैमसंग है A50 के अंदर, तो यहाँ पर जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अपने डिवाइस को अपडेट करा और वोल्टी ई था मेरा स्टूडियो में, नॉर्मली नहीं रहता था, वोल्टी ई था और कॉलिंग पे तो उड़ ही जाता था, अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो भी वोल्टी ही रहता है बट इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल पाता था। तो जब मैंने अपने डिवाइस को अपडेट करा सैमसंग A50 को, तो जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो मुझे थोड़ी देर वैसी ही रही जैसे मुझे पहले थी, नेटवर्क नहीं चल पा रहा था। बट यहाँ पर कुछ टाइम बाद मैं भी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रही होगी वो कंप्लीट हो गई होगी, उसके बाद में जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गए थे, एटलीस्ट मेरे तो एयरटेल के साथ में मेरा डिवाइस में पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, अपडेट से पहले तक नहीं चल पा रहा था और अपडेट करने के बाद में जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गए हैं। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि सैमसंग ने डेफिनेटली नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया है, यहाँ पर हमें नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हो ये क्रोमा पर चल रहा था और काफ़ी अच्छी स्पीड भी आ रही थी, लगभग 300-400 kbps, जहाँ पर कि जियो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जिस जगह पर मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, यहाँ नहीं चल पाता था। यूट्यूब भी बाद में चलने लगा था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ वीडियो प्ले करके देखता हूँ और देखता हूँ फिर कैसी स्पीड आती है, हमें बफरिंग देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो शुरुआत में मुझे यहाँ पर बफरिंग देखने को मिला बट बाद में मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखना कि किस तरीके से जो है नेटवर्क की स्पीड मुझे देखने को मिली जिस जगह पर नेटवर्क आते ही नहीं है, मतलब पहले तो यहाँ पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं था 4G का और अब देखना आप कैसी स्पीड मिली मुझे। तो भाई आपने देखा कि कंप्लीट वीडियो भी बफरिंग हो गई थी कुछ टाइम बाद में, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर अटकता है बट जब स्पीड आती है तो काफ़ी धांसू स्पीड आती है। मैं आपको यहाँ पर जो स्पीड मीटर, इंटरनेट स्पीड मीटर, उससे स्पीड भी चेक कराऊंगा कि कितनी मैक्सिमम मुझे मेरे स्टूडियो में आई, जहाँ पर कि पहले 10 kb भी नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर अपने खुद के चैनल की ही वीडियो चलाई है और यहाँ पर मैं 1080p 60fps में इस वीडियो को प्ले करूँगा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 mbps तक यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच रहा है और आप यकीन नहीं करोगे ऑलमोस्ट 2 mbps मैक्सिमम मेरा गया था। और ये जब ज़्यादा बफरिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही मतलब हमारा डिवाइस जो है नेटवर्क कट कर देता है, मतलब बैकग्राउंड में वो डाटा यूज़ नहीं करता है, इसीलिए हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बफर हो गई थी आप देख सकते हो, और मैं इस वीडियो को 1080p 60fps में प्ले कर रहा हूँ, तो भाई ये काफ़ी कमाल का अपडेट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लगा है स्पेशली, और सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी मुझे सैमसंग A50 के अंदर नेटवर्क के अंदर, वो भाई आपके सामने है, मैंने इसके ऊपर पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि सैमसंग के अंदर A50 के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर कि मुझे नहीं काफ़ी सारे यूज़र्स को आ रही थी, तो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो भाई आप ज़रूर इस अपडेट को इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करने के बाद में जो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, मेरा तो एटलीस्ट हो गया। बट फिर भी मैं इसको जो है आइडिया, जियो और वोडाफोन इन तीनों के साथ में भी टेस्ट करूँगा, हाँ मतलब सब पर अलग अलग नेटवर्क मतलब ले रखे कनेक्शन, तो मैं इन तीनों सिम के साथ में भी इसको टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि इनके साथ भी ये परफॉर्म कैसा करता है। वेल मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस अपडेट से, कमाल कर दिया, मेरी मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यार, दिल से खुश हो रहा हूँ मैं, मतलब मज़ा आ गया, बस एक ही हीटिंग इश्यूज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सैमसंग का A50 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाएगा सैमसंग की तरफ से। और इसकी जो प्राइस कट हुई थी यार पीछे ऑफर में चला था, मुझे मतलब इससे अच्छे स्मार्टफोन सैमसंग का मुझे कोई नहीं लगता उस प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि लगभग 17,000 रुपये का 16,999 का मिल रहा है, 17,000 रुपये का आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, 16.5 तक का भी मिल जाएगा, और अगर आपकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है तो शायद 16 तक का भी आपको मिल जाए, क्योंकि मतलब काफ़ी कम प्राइस में ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है स्मार्टफोन। मैंने तो एटलीस्ट काफ़ी मंदे स्मार्टफोन लिया ऑफलाइन मार्केट में, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान है, तो अगर आपको लेना है आप मेरठ में हो तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे। और मेरे पास मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई सैमसंग के A50 बुक करा था उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि
इसको कैंसिल करें क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो भाई मैंने कहा था अपनी वीडियोस में भी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर है, सैमसंग जब चाहे इसको फिक्स कर सकता है, नाउ सैमसंग ने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। तो आई थिंक आप देख सकते हो सैमसंग के A50 को भी, और अगर आपको सैमसंग पे चाहिए तो सैमसंग का A50S देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। उसके अंदर भी हमें काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं, यूनिक फीचर जो कि सैमसंग A50 के अंदर नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।